नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको सीधा लिए चलेंगे रामबन और डोडा किश्तवाड़, और वहां पर आपको अपडेट दिखाएंगे किस तरह से वहां पर सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। रामबन से धारा 144 को हटा दिया गया है, स्कूल वहां पर खोल दिए गए हैं और साथ ही साथ बाजार भी खुल गए हैं। और चेनार रीजन के 3 जिलों में अभी भी पाबंदियां लागू हैं। भदरवा, डोडा और किश्तवाड़ में कर्फ्यू को नाफिज कर दिया गया है, सख्ती से कर्फ्यू यहां पर नाफिज किया गया है। और इंटरनेट पर एहतियातन 4 जिलों में रोक अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए। जिस तरह से रामबन की बात करें तो धारा 144 को हटा दिया गया है, स्कूल कॉलेज यहां पर खोलने की बात तो है वो सामने रखी गई है, लेकिन फिलहाल बाजार यहां पर खुल गए हैं। चेनार रीजन के 3 जिलों में अभी भी पाबंदियां लागू हैं और साथ ही भदरवा, डोडा और किश्तवाड़ में कर्फ्यू सख्ती से नाफिज कर दिया गया है। इंटरनेट पर एहतियातन 4 जिलों में अभी भी रोक है। और अगर स्कूलों की बात करें तो छुट्टियां भी चल रही हैं गर्मियों की, लेकिन जिनके एग्जाम्स हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, वो फिलहाल यहां पर जाते हुए नजर आए थे, क्योंकि डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से ये बड़ा ऐलान पहले किया गया था। लेकिन इस वक्त ताजा अपडेट आप देखिए, बाजार खुल गए हैं रामबन में, धारा 144 को हटा दिया गया है और साथ ही साथ चेनार रीजन में 3 जिलों की अगर बात करें तो पाबंदियां अभी भी लागू हैं। और साफ तौर पर इंटरनेट सेवा की अगर बात करें तो वो 4 जिलों में अभी भी जारी रखा गया है। इस वक्त बड़ी अपडेट देखी जा रही है लगातार आप देखिए। नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से भदरवा के अंदर FIR दर्ज कराने की मांग की गई थी और उस बीच में बवाल मचता हुआ नजर आया था और 4 जिलों के अंदर पूरी तरह से सख्ती जो है वो बरती गई थी, लेकिन इस वक्त 3-4 जिलों की अगर बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप देखिए किस तरह घमासान जो है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर रामबन के अंदर धारा 144 हटा दी गई है, बाजार खोल दिए गए हैं, लेकिन अलग अलग जिलों की अगर बात करें रामबन की तो वहां पर फिलहाल थोड़ी बहुत राहत लोगों को दी गई है। भदरवा, डोडा और किश्तवाड़ में कर्फ्यू अभी भी सख्ती से नाफिज है और 4 जिलों के अंदर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। सबसे पहले रुख करेंगे नदीम के पास, क्योंकि रामबन से अपडेट ले लेते हैं जहां पर आप देखिए धारा 144 को हटा दिया गया है और बाजारों को भी खोल दिया गया है। नदीम, किस तरह से हालात हैं अब वहां पर? जी बिल्कुल आशा, कल दिन भर हमने देखा था कि 144 लागू था, यानी रामबन के अंदर मार्केट्स भी बंद थी, स्कूल भी बंद थे और ट्रांसपोर्ट हमें काफी कम देखने को मिल रहा था। लेकिन आज जहां बात करें, आज सुबह 6:30 बजे जो है लिफ्ट किया गया है यहाँ पे 144, उसके बाद जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो खोले गए हैं। बाजार में आप देख रहे हैं मुख्तलिफ दुकानें खुली हुई, यानी ये चीज थी कल को अगर आज के साथ हम कंपेयर करें। कल काफी बंदिशें आए थी जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज को मुख्तलिफ मकाम पर तैनात किया गया था, नमाज जुमा भी अदा करने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन अगर आज हम देखें, आज बाजार भी खुले हैं, स्कूल भी खुले हैं और लोगों का आना जाना भी हसर मामूल जैसे देखते थे कि नॉर्मल डेट में होता था वैसा ही है। लेकिन इंटरनेट फैसिलिटी की जहां बात करें, क्योंकि इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया था, अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद ही है, लेकिन बाकी जो मामूल की जिंदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रही है। चलिए नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम अपडेट कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी वो देते हुए नजर आए कि किस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल इंटरनेट रामबन के अंदर भी बंद है, बाजार खोल दिए गए हैं, धारा 144 को हटा दिया गया है, क्योंकि पहले ही प्रशासन की तरफ से ये बताया गया था कि जब स्थिति नियंत्रण में होती है, पूरी तरह से जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आएगी, तो उसके बाद धारा 144 को हटा दिया जाएगा। तो माकूल तरीके से आप देखिए रामबन जिले के अंदर स्थिति जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद धारा 144 को हटाया गया है, दुकानों को खोला गया है, लोग पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर रहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में यह भी समझिए कि जिस तरह से भदरवा के अंदर यहां पर घमासान मचता हुआ नजर आया था, उस पर क्या कुछ अपडेट है वो भी लेंगे। लेकिन इस वक्त सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ कहर जुड़ चुके हैं भदरवा से, और भदरवा में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि वहां पर अभी भी पाबंदियां लगातार जारी है, क्या कुछ कहना है कहर? जी बिल्कुल, कल सुबह जो 7 बजे के करीब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मस्जिद जामे मस्जिद भदरवा के अंदर की गई थी, उसके बाद कुछ जो निर्णय वहां से लिए गए थे, कुछ डिमांडें जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी गई थी, लेकिन 11 बजे के करीब वहां पर जो तनाव देखने को मिला, प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसके बाद लाठीचार्ज करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले फेंकने पड़े। 1 बजे के करीब वहां पर ADG जम्मू आए थे, ADG जम्मू आने के बाद जो 2 बजे तक वो वहां पर रहे, उसके बाद वापस चले गए। लेकिन कल
पूरी तरह जो शांति इस वक्त जो बाजार के अंदर है, किसी को भी जो बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही, पूरी तरह कर्फ्यू लगाया गया है और इस वक्त फिलहाल अभी तक जो शांति है, लेकिन शाम तक जिस प्रकार से कल जामे मस्जिद से जो ऐलान किया गया था कि अगर कल तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया जिन्होंने हमारे सेंटिमेंट्स को जो हार्ट किया है, तो हम कल शाम को यानी आज शनिवार को शाम को जो है फिर से दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे और वह प्रोटेस्ट जो उग्र रूप लेगा जिसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। जी लेकिन कहर जिस तरह से ये चेतावनी जारी की गई है उससे पहले वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रखी गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब चेतावनी जारी होती है तो सक्रिय बोर्ड पर आ जाती है जम्मू कश्मीर पुलिस। जी बिल्कुल, कल दोपहर को जब प्रोटेस्ट हुआ था लाठीचार्ज हुई थी, आंसू गैस के गेले भी वहां पर गोले भी वहां पर दागे गए थे, उसके बाद एडीजी जम्मू वहां पर आए थे, उसके बाद जो पूरी तरह सिक्योरिटी फोर्सेज जो अलर्ट है, किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, पूरे बाजार को तारे लगाकर जो सील किया गया है, चप्पे चप्पे पर जो पुलिस तैनात है, आर्मी तैनात है, सीआरपीएफ के जवान जो तैनात है, किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं। हालांकि कल जुमे का दिन था फिर भी बहुत कम लोग जो घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन आज जो किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया और अभी तक जो खबर है कि शांति अभी तक भद्रवाह के अंदर देखने को मिली है, किसी प्रकार की कोई हिंसा जो। चलिए कहर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि भद्रवाह से अपडेट कर रहे थे कहर, जो पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं कि लोगों की तरफ से मस्जिद के अंदर से ही चेतावनी जारी की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि अगर शाम तक यहां गिरफ्तारियां नहीं होती हैं तो उसके बाद उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन यहां पर उग्र रूप लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज शाम तक का समय दिया गया है, देखना यह होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर किस तरह से सख्ती बरतती हुई नजर आएगी। फिलहाल कहर का यह कहना है कि अभी भी भद्रवाह के अंदर शांति का माहौल बना हुआ है। डोडा का रुख करेंगे, डोडा से वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रामबन के अंदर पूरी तरह से धारा 144 को हटा दिया गया है, कर्फ्यू को वहां पर हटा दिया गया है, स्कूलों को खोल दिया गया है, बाजारों को खोल दिया गया, लेकिन कहर को आप सुन रहे थे वो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण स्थिति जो है वो अब भद्रवाह के अंदर भी बनी हुई है लेकिन चेतावनी जारी की गई है। अब डोडा के अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आज सुबह फिर से 144 का जो अनाउंसमेंट पुलिस की तरफ से की गई है कि जो भी माहौल है यहाँ पे उसको वैसा रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे पीसफुल माहौल है। और कल हम बताएं आपको कि कल जब नमाज, जुमा की नमाज, उसके बाद प्रोटेस्ट यहाँ पे निकला और पीसफुल प्रोटेस्ट वो कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे कि उस शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह से भद्रवाह के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, एक पोस्ट इस लड़के ने चढ़ाया था जो फेसबुक पर चढ़ा था, उसके बाद हालात जो वहाँ पे बने हैं, हालात वहाँ पे बने हुए हैं, ड्यूकॉम वहाँ पे मीटिंग अभी कर रहे हैं, सुनने में ये भी आ रहा है डिप्टी कमिश्नर डोडा भी वहाँ पे हैं। और आपको बताना चाहूंगा, जब यहाँ पे मीटिंग हुई उसके बाद ईदगाह डोडा में वहाँ पे सब लोगों ने बातचीत की, आपस में यही बताया कि पीसफुल तरीके से कैसे रहना है। हमने वो डिमांड कर रहे थे कि जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं होता था। जनाब से देखिए, हम बात करें, भाईचारे की मिसाल यहाँ पे दी जाती है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द उस शख्स पे कार्रवाई होनी चाहिए जिस शख्स ने भी इस तरह का काम वहाँ पे किया है। और डोडा की हम बात करें खास करके, चप्पे चप्पे में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रखी हुई है और हम देख रहे हैं कि खुद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है या जो एडिशनल एसपी है वो खुद पूरे शहर का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं पे इस तरह का माहौल तो नहीं है, कहीं कोई प्रोटेस्ट करने को तैयार तो नहीं है, तो सारी सिचुएशन जो है वो अभी कंट्रोल में ही है। वसीम, जिस तरह से अपील भी की जा रही है कि सौहार्द को बनाए रखें, आपसी भाईचारे को बनाए रखें, बड़े बुजुर्गों से अपील की जा रही है कि वो सामने आए, फ्रंट फुट पर आए और समझाने की कोशिश करें, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए कल जब नमाज खत्म हुई, नमाज के बाद कुछ सीनियर सिटीजन है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो सामने आए, उनने लोगों को समझाया, कुछ बच्चे जो है जज्बाती काफी ज्यादा हो रहे थे, उनको समझाने की कोशिश की कि इस तरह का कोई भी माहौल हमने तैयार यहाँ पे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमने देखा होगा भद्रवाह के अंदर किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, इंटरनेट को बंद करना पड़ा, इंटरनेट की काफी ज्यादा इस वक्त जरूरत थी मगर इंटरनेट हम लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो इस तरह का माहौल उन्होंने बताया कि साफ तौर पर हमें नहीं बनाना है, सिचुएशन को कंट्रोल में रखना है, भाईचारे को कंट्रोल में रखना है, भाईचारे को आपसी भाईचारा जो डोडा के अंदर है उसको कायम रखना है, उसको खत्म नहीं करना है। तो सारी सिचुएशन बच्चों को जब समझाई गई, लोगों को समझाई गई, तो कहीं ना कहीं सब लोग जो है उस ट्रैक में ही अभी चल रहे हैं। वसीम, क्या लगता है कि इंटरनेट को बंद करने के पीछे का मकसद ही यही है कि सोशल मीडिया में ज्यादातर चीजों को वायरल ना किया जाए, जिसकी वजह से प्रशासन यहाँ हरकत में आता हुआ नजर आया है, डाउन कर दिया गया है इंटरनेट को? देखिए, मुझे लगता है अगर इंटरनेट चलता तो अफवाहों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म होता, मगर हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेट बंद कर दिया गया है, अफवाहों का बाजार बिल्कुल भी गर्म नहीं है। सिचुएशन जो है भद्रवाह के अंदर भी कंट्रोल में है, डोडा के अंदर भी कंट्रोल में है, रामबन के अंदर भी कंट्रोल में, किश्तवाड़ के अंदर भी कंट्रोल में। अगर इंटरनेट चलता तो मुझे लगता है अफवाहों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म होता। चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि डोडा से वसीम गर्तू हमें रिपोर्ट कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे कि इंटरनेट को बंद करने का बहुत सही फैसला जो है वो प्रशासन का था, क्योंकि अगर इंटरनेट चलता तो अफवाह
दवाओं का बाजार गर्म हो सकता था, जिस पर रोक लगाई गई है। तो फिलहाल स्थिति जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है और पूरी तरह से सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। रामबन की बात करें तो धारा 144 हट गई है और भद्रवा में पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल इस वक्त बना हुआ है। चेतावनी जरूर जारी की गई है शाम तक के लिए, लेकिन अब प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से हरकत में है। जिला किश्तवाड़ का रुख करेंगे, किश्तवाड़ से अजय शाह ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। अजय, वहां पर किस तरह से हालात हैं? देखिए आशा, जो किश्तवाड़ में जो कर्फ्यू लगाया गया था टाउन और इसके आसपास के इलाकों में, वो आज दूसरे दिन भी जारी है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर धारा 144 लागू है, जिसके चलते टाउन में कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बंद है, बाजार पूरी तरह से बंद है और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट फोर्सिंग की गई है। कल शाम को यहाँ पर एडीजीपी जम्मू, डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईबी के आला अधिकारी पहुंचे हुए थे, जो पहले भद्रवा में थे और पूरी रात वो किश्तवाड़ में कैंप करते रहे। आज सुबह फिर वो यहाँ से भद्रवा के लिए रवाना हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आला अधिकारी स्वयं स्थिति पर नजर रखे हैं, असेस कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किश्तवाड़ में बेशक कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं है। कल भी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन ने कोशिश की कि जो इंटरनेट डाउन करके जो वायरल मैसेजेस हो रहे थे उनको रोक लगाई जाए, और जो कर्फ्यू और 144 नाफिज किया गया उससे लोगों की भीड़ जो जमा हो रही थी उसको रोकने में कहीं ना कहीं प्रशासन कामयाब रहा है, और आज भी वही रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन जो हमें आधिकारिक सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर भद्रवा में चीजें सुधरती हैं, जैसे वहां एक डेडलॉक बना हुआ है, अगर वहां सुधार होता है तो किश्तवाड़ में भी जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटाने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन जो भी अब पेच फंसा है वो भद्रवा की सिचुएशन को लेके है। अजय, सवाल यहां पर ये है कि इस तरह की सिचुएशन कभी देखने को नहीं मिली है जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने आए हो, ये पहला मौका है? नहीं आशा, देखिए ये जो हमारा क्षेत्र है खासकर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, यहाँ पर विभिन्न मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव बनता रहा है, और ये पहली बार नहीं है। जैसे दंगे हुए वो भी सांप्रदायिक तनाव के चलते हुए, लेकिन जो डेडलॉक बना हुआ है वो कैसे टूटेगा उसको लेके प्रशासन जो है माथापच्ची कर रही है। अजय, इस तरह से पैगंबर की बात को लेकर कभी भी माहौल को तनावपूर्ण करने की कोशिश नहीं की गई है। अब जिस तरह से भद्रवा से भी खबर सामने आ रही है, जहां पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ ये सारा विवाद, वहां पर स्थिति जो है वो कंट्रोल में बताई गई है। कहर रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से, वो कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन उसके बाद एक चेतावनी जारी कर दी गई कि शाम तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो उग्र रूप यहां पर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो है वो शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल आशा, माहौल जो है ओवरऑल अगर हम कहें तो कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, शांतिपूर्ण माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो चाहते हैं कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका अपना फायदा उठाएं, तो प्रशासन भी उसी को देख रहा है। और जो खासकर समाज हिंदू है, मुसलमान है, बड़े पैमाने पर लोग इसके पक्ष में है कि जो घटना घटी है उसको जो कानूनी कार्रवाई है वो हो और माहौल जो है शांत रहे, और खासकर भाईचारा जो यहाँ का है वो बना रहे, क्योंकि कई बार यहाँ पर इस तरह की वारदातें देखेंगे लेकिन फिर भी लोग दूसरे दिन आमने सामने। आपसी भाईचारे की मिसाल हमेशा कायम होती हुई नजर आई है अजय, चाहे वो जम्मू संभाग की बात हो या फिर कश्मीर संभाग की बात हो। जी बिल्कुल, देखिए आज भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम आपस में टेलीफोनिकली कॉन्टेक्ट में है, आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं स्थिति का हाल कैसे निकले। लेकिन जो डेडलॉक बना है इसको तो एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म करना है कोई निर्णय लेके, तो उसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हिंदू मुस्लिम की एक मैं मिसाल बताता हूँ कि कल किश्तवाड़ में मिंदल यात्रा की यात्री यहाँ पर पहुंचे थे, और 100 से ज्यादा गाड़ियां जो है जम्मू से और दूसरे इलाकों से किश्तवाड़ से होते हुए बॉर्डर से होते हुए हिमाचल की तरफ गई हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो रास्ता भटक रहे थे तो किश्तवाड़ के एंट्री पॉइंट में जो मुस्लिम लोग थे वो उनको रास्ता बता रहे थे कि आपने यहाँ से जाइए और ये आप आगे बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ पर है, लेकिन कुछ तत्व हैं जो इसका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इस प्रकार की स्थितियों का लाभ उठाना चाहते हैं। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल ऐसे शरारती तत्वों पर नजर गड़ाने की जरूरत है, संज्ञान लेने की जरूरत है जो आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल आप देख रहे हैं डोडा, किश्तवाड़, रामबन और साथ ही साथ भद्रवा के अंदर स्थिति तो पूरी तरह से कंट्रोल में है,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ धारा 144 रामबन जिले से हटा दी गई है। स्कूलों को वहां पर खोलने की कोशिश, बाजार वहां पर खोल दिए गए हैं, लेकिन भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई है। अब देखना यह होगा कि इन रिस्ट्रिक्शंस पर किस तरह से आगे काम होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कमर कसे हुए है और शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए जिस तरह से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, राजौरी से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। राजौरी और पुंछ जिले में आज यहां बंद की कॉल का असर देखा गया है। कल महज यहां बंद बुलाया गया था और दोनों जिलों में बाजार बंद और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी ब्रेक लग गई है और प्रशासन ने एहतियातन दोनों जिलों में इंटरनेट पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, कल ही महज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी बात सामने रखी गई थी, बड़ा बयान जारी किया गया था कि कल राजौरी और पुंछ में बंद देखा जाएगा। लेकिन अगर जिला पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें तो पूरी तरह से असर जो है वो बंद का देखा गया है। बंद की कॉल जो दी गई थी उसका असर देखा गया है और दोनों जिलों में बाजार बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और प्रशासन ने एहतियातन दोनों जिलों के अंदर इंटरनेट पर रोक लगा दी है। और कल अटकलें ये लगाई जा रही थी कि जिस तरह से व्यापारी लोग हैं वो क्या अपनी दुकानें बंद करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होगा या नहीं, हर किसी की नजर इसी पर गड़ी हुई थी। लेकिन आप देखिए बड़ी अपडेट जिला राजौरी और पुंछ से सामने आ रही है, जहां पर बंद की कॉल का असर देखा गया है। माकूल तरीके से कोई भी गाड़ी यहां पर चलती हुई नजर नहीं आ रही है और बाजार भी मुकम्मल तरीके से बंद है। दोनों जिलों के अंदर दुकानों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से यहां बयानबाजी की गई है उसी पर आप देखिए जिस तरह से मंथन जो है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया जा रहा था, अब उसका असर कहीं ना कहीं ग्राउंड पर देखा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजौरी और पुंछ से जमशेद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशेद, आपसे जानना चाहेंगे कि कल महज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और अटकलें ये लगाई जा रही थी कि क्या आज यहां बंद का असर देखा जाएगा, तो मुकम्मल तरीके से ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें कुछ और ही देखने को मिली हैं। जी, अगर बंद की काल की बात करें तो राजौरी में इसका असर मिला जुला ही देखने को मिला, जहां कुछ हिस्सा खुला और कुछ हिस्सा बंद है, क्योंकि कल ही जितरा उर्मा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि सभी धर्मों के लोग इसमें साथ दें और सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से कही थी कि इस बंद के दौरान कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही कोई जुलूस निकाला जाएगा और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है, पुरअमन तरीके से राजौरी बंद। मगर राजौरी के दूर दराज के गाँव की अगर बात करें, थाना मंडी, दराल, कोटंका, बुद्ध, यहाँ पूरी तरह मुकम्मल बंद है और सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह गायब है। वहीं अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ में बंद का असर बड़े पैमाने पर जोर देखने को मिल रहा है, जहां पुंछ में आज पूरी तरह मुकम्मल बंद है। वहीं मेंढर से एक खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली, जहां सनातन धर्म सभा की तरफ से बंद की सपोर्ट की गई और आज वहां पूरी तरह मुकम्मल बंद है। क्योंकि गुरुजी इस तरह के इस बंद को लेकर या ऐसे हालात की अगर बात करें, या हालात नूपुर शर्मा के बयान के बाद अगर शुरू हुए थे, मगर उनमें घी में आग में घी वाला काम उन लोगों ने किया जिन्होंने उसके बाद पोस्टें डालनी शुरू की और उसके बाद हालात ही सब तक पहुंच चुके हैं कि आज के हैं। राजौरी पुंछ पूरी तरह बंद नजर आ रहा है, वहीं चनाब वैली की बात करें बंद नजर आता, मगर हालात पूरी तरह पुरअमन देखने को पूरी दोनों डिस्ट्रिक्ट में मिल रहे हैं। गुरुजी, लेकिन जमशेद यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह से आपसी सौहार्द को बनाए रखने की अपील की जा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि आपसी भाईचारे की मिसाल जो है वो कायम की जाए, क्योंकि हर बार इस तरह से अगर कोई माहौल बनता था तो उसमें आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिलती थी, क्या लगता है कि इस बार भी बीच का रास्ता निकालकर काम करने की जरूरत थी? जी बिल्कुल, अगर आपसी भाईचारे की बात करें तो वाकई वो पूरी तरह नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि सनातन धर्म सभा मेंढर की तरफ से इस बंद की सपोर्ट की गई थी, उनकी तरफ से कल एक अपील की गई थी कि इस बंद की पूरा पावन दिया जाए और ये बंद किया जाए, उसका असर भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह मेंढर और पुंछ की मैं बात कर रहा हूँ कि पूरी तरह बंद है। हालांकि राजौरी का कुछ हिस्सा जरूर खुला हुआ नजर आ रहा है, मगर उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई जलसा या जुलूस या लोगों को किसी तरह बंद करने के लिए नहीं जबरदस्ती कहा जा रहा है, पुरअमन तरीके से जिस तरह का मंदिर देखने को मिल रहा है खामोश तरीके से बंद है। हालांकि बंद के बाद जितनी सिक्योरिटी इन इलाकों में लगाई जाती थी कुछ हद तक सिक्योरिटी भी नजर नहीं आई, सिक्योरिटी भी बहुत कम है, क्योंकि हालात पहले से ही बेहतर है, आपसी भाईचारा पूरी तरह बरकरार है, मगर बंद की कॉल जिस तरह दी गई थी इसका असर भी काफी पैमाने पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह सड़कों से गायब है, जिस कारण मार्केट में लोगों का न होने के बराबर लोग नजर आ रहे हैं, जिससे ये कह सकते हैं हम कि बंद पूर्ण तरीके से अभी भी चल रहा है, यानी लोगों ने पूरी तरह से सहयोग किया है। जमशेद, कुछ ऐसा? जी
गुरुजी बिल्कुल पूरी तरह लोगों की तरफ से तावन मिला है, क्योंकि जिस तरह कल ही मैंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात ये कहा गया था कि इस बंद में कोई जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी, वैसा ही नजर आ रहा है। बिल्कुल पुरअमन तरीके से बंद है जिसमें लोग पूरी तरह सहयोग देते नजर आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे जो राजौरी और पुंछ से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से हालात जो है वो राजौरी पुंछ के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल बंद की कॉल दी गई थी और हर कोई ये कहता हुआ नजर आया था कि कल आज यानी शनिवार के दिन किस तरह से बंद का असर देखने को मिलेगा। तो आप देखिए मिला जुला असर जो है वो देखने को मिला है, लेकिन मुकम्मल तरीके से ग्राउंड से आप देखिए तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं, सड़कों से गाड़ियां बिल्कुल यहां पर गायब हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, क्योंकि आम जनता अपने घरों से बाहर नहीं निकली है, आपसी भाईचारे की मिसाल यहां पर कायम होती हुई नजर आ रही है, ये कहना है यहां जमशेद मलिक का। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा और सांबा से भी आपको दिखाएंगे किस तरह से पुलिस यहां कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। भुक्की को लेकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जिला सांबा से इस वक्त बड़ी खबर देखने को मिल रही है, सांबा में 20 किलो भुक्की के साथ पंजाब के दो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है और विजयपुर पुलिस को AIM यानी एम्स नाके पर बड़ी सफलता मिली है और कार में बनाई गई यहां विशेष कैविटी में इस भुक्की को छिपाया गया था और दोनों तस्करों के खिलाफ NDPS के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए जिस तरह से सांबा से देखने को मिल रही है, सांबा पुलिस इस वक्त हरकत में आती हुई नजर आई। विजयपुर के एम्स की अगर बात करें तो एम्स के पास ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, एम्स के पास जो नाका लगाया गया था उस पर ये कार्रवाई की गई है और बड़ी सफलता हाथ लगी है। कार में ये विशेष कैविटी बनाई गई थी और जिसमें भुक्की को छिपाया गया था, 20 किलो भुक्की यहां पर बरामद की गई है और दो तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों तस्करों के खिलाफ NDPS के तहत यहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और NDPS के तहत जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो पूछताछ किस तरह से यहां पर सांबा पुलिस कर रही है अब इस पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह के पशु तस्करी के भी मामले देखने को मिले थे और भी कई ड्रग्स से रिलेटेड यहां पर जितने भी मामले हैं वो सामने आए हैं। आप देखिए अब सांबा पुलिस किस तरह से सक्रिय मोड में नजर आती हुई नजर आ रही है और साथ ही 20 किलो भुक्की यहां पर बरामद की गई है। साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इन दोनों तस्करों को धर दबोच लिया गया है, पंजाब की तरफ से ये यहां पहुंचे हैं और विजयपुर पुलिस स्टेशन को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और एम्स नाके पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की ज्यादा जानकारी लेंगे, ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, इससे पहले भी सांबा पुलिस की तरफ से पशु तस्करी पर नकेल कसी गई है लेकिन आज यहां 20 किलो भुक्की बरामद की गई है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी तरफ से कुछ खुलासे किए गए, किस तरह से कार्रवाई कर रही है पुलिस? देखिए बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि सांबा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिस तरह से लगातार नशा तस्करी के खिलाफ अपना अभियान से छेड़ा हुआ है और इसी बीच एक इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है, खासतौर पर विजयपुर पुलिस टीम की बात करें तो एक इन्फॉर्मेशन इनको मिलेगी कि खिलाफ गाड़ी जो है ये कश्मीर से पंजाब की ओर जा रही है, तो एक नाका पॉइंट पर पुलिस ने अपनी नफरी तैनात कर दी और इस गाड़ी को काम करते हुए इस गाड़ी को नाका पॉइंट पर धर दबोचा और जांच की गई गाड़ी की तो बड़े चलाके अलग अलग बनाई थी गाड़ी में छिपा कर रखी और आपको बता दें कि अलग अलग चेकिंग बनाई हुई थी और इसमें दो जो नशा तस्कर गिरफ्तार हुए ये पंजाब के हैं, एक लुधियाना का रहने वाला और एक पंजाब का रहने वाला है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है लेकिन इस तरह से आपने कहा कि पूछताछ जैसे लगातार जारी है तो बिल्कुल इससे पूछताछ जो की जा रही है पुलिस की तरफ से की कश्मीर के कौन से हिस्से से आए हैं और पंजाब के किस हिस्से में ये फिर जो लेकर जा रहे थे इसके ऊपर पुलिस लगातार इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनके कहां कहां पर तार जो वो जम्मू कश्मीर में जुड़े हुए हैं ड्रग्स के हवाले से वो भी इसके ऊपर लगातार पुलिस काम कर रही है लेकिन अलग अलग जो एंगल्स पर पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है तो इसमें कई सारे खुलासे हो सकते हैं। हालांकि खुलासा किया गया है कि पंजाब से इसे जम्मू में कहां लाया जा रहा था और कहां तक पहुंचाया जाना था। देखिए ये कश्मीर से लाया जा रहा था इस खेप को और पंजाब के इलाके में लेकर जाया जा रहा था। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कश्मीर में कहां पर इसके तार जुड़े हैं, पंजाब में कहां पर इसके तार जुड़े हैं, इसको लेकर पुलिस काम कर रही है लेकिन इसमें दो तीन अलग अलग चीजें सामने आ रही है। एक तो पहले जब कई बड़ी खेप पकड़ी जाती है या अदर कोई ड्रग्स की बात करें तो बड़ी गाड़ी को इस्तेमाल किया जाता है लेकिन छोटी गाड़ी को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पुलिस को पता ही ना चले और जिस तरह से कैविटीज अंदर बनाई थी तो पुलिस को कानों का खबर ना हो इस तरह से इन जो तस्करों काम किया था और इस खेप को इलीगल तरीके से ट्रांसफर कर रहे थे लेकिन पुलिस की जो पुख्ता जानकारी पुलिस को मिली उसके वो पुलिस काम किया और इनकी धरपकड़ करी है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इसमें बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत ये है कि अलग अलग जो हॉटस्पॉट्स हैं जो रेड एरियाज हैं जम्मू कश्मीर में वो चिन्हित किया जाए और वहां पर जो इलीगल
चीज होती है उसके ऊपर लगाम लगाई जाए और यहाँ पर उस तमाम चीन की अगर बात करें उस बढ़ती हुई चीन को जो लगातार समाज में अपना जहर फैला रही है, समाज में ड्रग फैला रही है और अगर इस तरह से आगे चलता रहा तो आप देखिए जिस तरह से पुलिस भी यहाँ पर बड़ी बात कहती हुई नजर आती है कि ड्रग्स के खिलाफ यहाँ पर टीमों का गठन किया गया है और टीम जो है वो काम कर रही है, लेकिन पशु तस्करी के भी अगर मामले देखे जाए तो टैंकर के अंदर किस तरह से छुपाए जाते हैं, छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और आज की जो गाड़ी है उसमें कैविटी बना दी गई, यानी कहीं ना कहीं उन टीम्स को और सक्रिय होने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अलग अलग तरह की ये हर बार मॉडल ऑपरेंडी जो वो चेंज करते हैं और उसी के हिसाब से ये इस तरह से काम करते हैं कि पुलिस को पता ही ना चले। खुद कहा आपने, सही कहा आपने कि ऑयल टैंकर में कभी वाइन स्मगलिंग की जाती है, छोटी गाड़ियों में यहाँ पर वाइन स्मगलिंग की जाती है, बड़ी गाड़ियों में छोटी गाड़ियों में ये ड्रग स्मगलिंग की जाती है। और बड़ी हैरान करने वाली बात आपने पिछले दिनों में भी देखी, जब हमने आपको अपडेट किया था गगवाल पुलिस से कि जो पोल्ट्री वाली गाड़ी होती है, पोल्ट्री वाली गाड़ी जो है वो बनाई जाती है और उसमें ड्रग्स की खेप पाई जाती है, अलग अलग तरह की लेकर ये चलते हैं। लेकिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस पर काम करती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इंटेलिजेंस को और काम करने की जरूरत है। इनकी जो चीज बढ़ती जा रही है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ड्रोन एक खत्ता बना हुआ है, ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर तार जो है वो ड्रग्स के पाकिस्तान से जुड़े हैं, तो यहाँ पर पूरी तरह से इंटेलिजेंस को भी काम करना होगा, पूरी तरह से खत्म करना होगा, क्योंकि आतंकवाद के साथ साथ हमारा ये नार्को टेररिज्म जो बढ़ता जा रहा है ये भी खतरा का विषय है, लगातार हमारे देश के युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है और ये एक सोची समझी चाल है जिसमें लगातार अगर उनके आगे के जो लोग काम कर रहे हैं, उनके हैंडलर्स काम करते हैं, उन्हीं की ये कड़ी है कि जो दो पंजाब के स्मगलर्स हैं ये पकड़े गए हैं। पिछले दिनों में आपने देखा कि जो पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जाती है उसके कहीं ना कहीं ड्रग तार जो स्मगलरों के जुड़ रहे हैं वही स्मगलर है जिन्होंने वो उनकी हत्या कर दी, तो ये पूरी साजिश है, पूरी सोची समझी चाल है। इसमें कहीं ना कहीं जो पातों के साथ साथ प्रवेश द्वार पर भी यहाँ पर सवालिया निशान उठ रहा है कि कठुआ पुलिस क्या काम कर रही है, कल वहां पर डीजीपी का विजिट होता है, बहुत अच्छे तरीके से तैनाती जो है वो की जाती है, लेकिन इस बीच में ये गाड़ी किस तरह से यहाँ से निकलने वाली थी क्योंकि कश्मीर से यहाँ पर पहुंची है और कई गाड़ियां लखनपुर से अंदर भी आई है, ये कोई पहला मौका नहीं है, आज तो फिलहाल कश्मीर से पंजाब की ओर जा रही थी लेकिन कई बार गाड़ियां लखनपुर से विजयपुर में आकर पकड़ी जाती है, सांबा में आकर पकड़ी जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम लगातार ये चर्चा तो करते हैं, आप करते हैं, तमाम लोग करते हैं कि आखिर लखनपुर प्रवेश द्वार में क्या हो रहा है, तो हम हर बार संदेश देते हैं पुलिस को कि यहाँ पर गहनता से जांच की जाए, हर छोटी बड़ी गाड़ी की एसेंशियल सप्लाई की आड़ में यहाँ पर सप्लाई जो वो ड्रग्स की जाती है, हथियारों की जाती है, वाइन की जाती है, स्मगलिंग लगातार धड़ल्ले से हो रही है, मतलब निगरानी को और बढ़ाने की जरूरत है, चौकसी को और बढ़ाने की जरूरत है और जितनी भी एजेंसीज हैं उनको सक्रिय मोड पर और ज्यादा रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि एक बड़ी सफलता विजयपुर पुलिस को हाथ में लगी है, सांबा पुलिस सक्रिय मोड में नजर आई है, लेकिन इस बीच में और ज्यादा बढ़कर यहां काम करने की जरूरत है। देखिए आप जिस तरह से नशे के काम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो इन पर नकेल कसने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।